मेरे सबसे अच्छे और प्यारे साथियों, सफल लोग साधारण लोग ही होते हैं, लेकिन बस उनका फोकस सीधा होता है। और फोकस हमारा तब होता है जब उस फोकस के पीछे का उद्देश्य हमें हमेशा प्रेरित करे। हमें लगता है कि हमारा फोकस नहीं है, मन नहीं लग रहा, पर वास्तव में हमारे पास उस फोकस के लिए उद्देश्य ही नहीं होता जो हमें प्रेरित करे और कहे कि आगे चलो, देखो कितने लोग कहाँ से कहाँ निकल गए। हमारा ध्यान हमेशा दूसरों पर होता है, खुद पर नहीं। किरण बेदी जी की बड़ी ही प्रेरित पंक्तियाँ हैं कि डेस्टिनी इज नॉट बाई चांस, डेस्टिनी इज बाई चॉइस, बट द चॉइस इज मेड एवरी डे। जिंदगी में बहुत ज़रूरी होता है खुद पर फोकस करना, क्योंकि जिस इंसान ने खुद पर फोकस कर लिया उस पर पूरी दुनिया का फोकस चला जाता है। जिस भी इंसान ने खुद पर फोकस किया, दुनिया का फोकस उस पर गया। सब उसको जानना चाहते हैं, उसको समझना चाहते हैं कि आखिर है कौन, ऐसा क्या किया, इतना सफल हो गया। सब 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 हर जगह उसे ढूंढते हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि उसने खुद पर फोकस किया, खुद पर काम कर रहा है वो। यदि हमने खुद को बनाने के बारे में सोच लिया, खुद को और मेहनती बनाने को सोच लिया, अपनी सारी क्षमताओं को विकसित करने को सोच लिया, खुद को और साहसी बनाने का सोच लिया, समर्पित बनाने को सोच लिया, अच्छे बदलाव लाने को सोच लिया, तो बस वहीं से शुरुआत हो जाती है खुद पर फोकस करने। पता है क्या, हम बाहर सब कुछ ढूंढते हैं। हम चाहते हैं हमें कोई मिल जाए जो हमारा सब कुछ कर दे, हमें कोई गुरु मिल जाए, कोई कोच, कोई कोचिंग मिल जाए और हमारा जीवन पलट जाए। लेकिन पता है ये बहुत मुश्किल काम है कि कोई ऐसा गुरु मिले, बड़ा ही मुश्किल काम है कि कोई ऐसा मिले जो हमारे जीवन को ठीक कर दे। और अंत में स्वामी विवेकानंद जी की बात सच होती है, जो बड़ी ही कमाल की बात कहते हैं कि हर किसी के अंदर एक गुरु होता है, और सच्चे गुरु का काम गुरु बनना नहीं होता, बल्कि उसका काम होता है अपने शिष्य के अंदर के गुरु को जगाना, दूसरे के अंदर के गुरु को जगाना। और दोस्तों, हमें भी अपना गुरु खुद ही बनना होगा, क्योंकि और कोई विकल्प ही नहीं बचता। और एक बात हमेशा याद रखनी होगी कि डेस्टिनी इज नॉट बाय चांस, डेस्टिनी इज बाय चॉइस, बट द चॉइस इज मेड एवरी डे। तो चलिए, बस इसी पॉजिटिव थॉट के साथ आज के दिन की एक बेहतरीन शुरुआत करते हैं। बड़ों को प्रणाम, छोटे को ढेर सारा प्यार। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आशा करती हूँ हमारा पूरा परिवार खुद से हर रोज जीत रहा है, पॉजिटिव है, अपना खूब सारा ख्याल रख रहा है। बाहर अच्छी खासी बारिश हो रही है, तो बारिश का भी आनंद ले रहा है। आपके आशीर्वाद से और प्यार से आपकी जागृति भी ठीक है। सुबह का समय है और बाहर बारिश हो रही है, हमारा अंदर इंतजाम चल रहा है नाश्ते का, और घर में जितने लोग हैं सबकी उतनी ही पसंद है। किसी को मीठा पसंद है इस मौसम में, किसी को तीखा पसंद है इस मौसम में, किसी को दोनों ही पसंद है। तो सबके अनुसार यहाँ पर हमारा नाश्ता बन रहा था। एक तरफ हमने खीर बनाने को सोचा था, दलिया, और दूसरी तरफ हमारा यहाँ पर जा रहा था आलू चाप बनने। इसको हम लोग ना वो भी कहते हैं ना जो वड़ा पाव के अंदर वड़ा रखा रहता है, कुछ कुछ इसी तरह का बनता है शायद। और हम लोग के यहाँ पे ना, हम लोग के घर से थोड़ा सा दूर जहाँ पे आप लोग को लेकर के गए थे एक बार, जो मंदिर है राम जानकी मंदिर, वहीं पर ना एक छोटा सा नुक्कड़ का दुकान है, वहाँ पर ना हमेशा मिलता है वाला आलू चाप, जो कि बहुत अच्छा लगता है ऐसे बारिश के दिनों में खाने में। तो पहले जब गर्मी की छुट्टियां होती थी, बारिश का मौसम होता था, मौसी की लड़कियां आती थी और भी बहुत सारे लोग जुड़ते थे, तो हम लोग जाते थे वहां पर खाने के लिए। तो आज कुछ कुछ मैं वैसा ही यहां पर बना रही थी। ऐसे तो हर रोज कुछ भी बनता है, रोटी सब्जी, इतनी गर्मी आजकल थी कि कुछ भी तो खाने का ही नहीं मन कर रहा था, बनाने तो छोड़ ही दे। लेकिन आज अच्छा लग रहा था, नाश्ता बना, खाना बना, सब कुछ काम फिनिश हुआ, फिर हम लोग निकले आज कंप्यूटर क्लास के लिए। घर से 9:30 बजे आज निकल गए थे, बिल्कुल टाइम पर पहुँचे थे। और यहाँ पर मेरा बस प्रैक्टिकल चल रहा था, क्लासेस हमारी चली थी 12:15 बजे तक। आजकल ना हमारी दो दो क्लासेस चल रही हैं, एक तो हमारा बैच स्टार्ट हो गया था ना, तो एक महीने से जो हम लोग जिस बैच में इनरोल हुए हैं वो एक महीने से शुरू हो गया था। तो हम लोग का जो पीछे का छूटा हुआ है फंडामेंटल सारा, तो वो हम लोग अभी एक और क्लास नया नया स्टार्ट हुआ है उसमें बैठ करके कम्प्लीट करते हैं, क्योंकि जिस बैच में हम और आदू ने एडमिशन लिया है वो एक महीने से चल रहा है, और हमारा जो छूटा हुआ है वो एक्स्ट्रा एक क्लास और लेकर के हम लोग उसे कंप्लीट करते हैं। तो इधर भी थोड़ा क्लासेस का टाइमिंग ज़्यादा है, बाकी फिर तो 11:15 बजे तक ही रहेगा, और क्लास के बाद 1 घंटे का हमारा प्रैक्टिकल का टाइमिंग रहता है। आप लोग पूछ रहे थे कि हम लोगों ने कौन सा कोर्स लिया है, तो अभी हम लोगों ने ADCA में एडमिशन लिया है, क्योंकि हमें पूरा बेसिक से लेकर के सब कुछ जानना था कंप्यूटर के बारे में। आज से पहले कोई कोर्स ज्वाइन नहीं किया था, तो इस वजह से हमने सर से ही पूछा था पहले कि हमें कौन सा लेना चाहिए, तो उन्होंने ADCA का सुझाव दिया, तो हमने उसी में एडमिशन ले लिया है। और काफ़ी लोग परेशान भी हो गए थे कि ये क्या DSSB की रिक्वायरमेंट है कंप्यूटर नॉलेज, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ना ही उसकी कोई कंडीशन है, ना ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है किसी कंप्यूटर के कोर्स का। हाँ, लेकिन यदि आपके पास कंप्यूटर कोर्स है, कोई डिग्री है, सर्टिफिकेट है, तो वो अच्छी बात है। यदि हमें नॉलेज है कंप्यूटर का तो अच्छी बात है, ये हमारी प्लस पॉइंट है।
अभी बज चुके हैं दोपहर के 2 और अब हम लोग जा रहे हैं पढ़ाई करने के लिए। खाना खा लिया हमने, नहा लिया। आज सुबह तो पानी ही नहीं था, हमें लग रहा था हम कोचिंग भी नहीं जा पाएंगे क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी, लेकिन समय से बारिश रुक गई तो हम लोग निकल गए कोचिंग के लिए बिना नहाए धोए, बाल में तेल लगा के ऐसे ही। और फिर इसके बाद जब घर पर आए तो नहाना हुआ, बाल धुले और अब जा रहे थे हम पढ़ने के लिए। आलू खीर लेके आई थी अपने लिए, हमने भी थोड़ा टेस्ट करा, बहुत अच्छा बना था। सुबह जो हमने बनाया था ना जल्दी जल्दी में, सुबह हम तो खाए ही नहीं थे, आलू भी नहीं खाई थी, और उस समय गर्म भी था। खीर अच्छी लगती है जब ठंडी हो जाती है। ये है मेरे कंप्यूटर के नोट्स जो कि मैं वहाँ पर, वैसे सर नोट्स बनवाते नहीं हैं, लेकिन मैं जो कुछ भी मुझे नोट करने लायक लगता है मैं ऐसे ही फ्लो में लिख लेती हूँ जल्दी 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 जल्दी। बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा अभी मुझे, खुद भी कुछ वर्ड्स नहीं समझ में आ रहे मैंने क्या उस समय लिख दिया था। अभी शुरुआत का ही समय है ना, ज़्यादा कुछ नहीं लिखा है, बस 2-3 पेज होगा। कंप्यूटर में ज़्यादा थ्योरी नहीं, प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट रखता है, तो प्रैक्टिकल को हम लोग ज़्यादा समय देते हैं, 1-1.5 घंटे तक। अभी 2:04 हो रहे हैं और हम अभी सोच रहे हैं कि जो मेरा, मैंने कल ना NIOS की रीडिंग कर रही थी मैं, तो कुछ पार्ट मेरे छूटे हुए हैं, तो खाना खाने से पहले मैं सोच रही हूँ इसे ही कंप्लीट करने को, फिर इसके बाद खाना खाने के बाद फिर इसके बाद आगे की पढ़ाई शुरू होगी। आज मेरा ये चल रहा था यूनिट प्रारंभिक शिक्षा में अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, ज़्यादा बड़ा नहीं है चैप्टर, इसमें बहुत अच्छे अच्छे मुझे ये चैप्टर बहुत अच्छा लग रहा है, इसमें मुझे बहुत कुछ जानने को मिल रहा है, कब कब क्या क्या हुआ था प्रारंभिक शिक्षा में अच्छे अच्छे कामों के लिए, ये सारा कुछ इस चैप्टर में दिया हुआ है, तो इससे एक समझ बनती है कि कैसे कैसे सब कुछ चला आ रहा है और अब कैसे सब कुछ है चल रहा है। वहाँ पर ये जा रही है टीवी ऑन करने के लिए, मुझे पढ़ना याद हुआ अभी, अभी तो पापा ठीक एंजॉय कर, अच्छा है ना, मैंने भी चखा था एक चम्मच थोड़ा सा बस, अच्छा है ना, थोड़ा सा ना इधर बीच का जो शेड्यूल है थोड़ा हैक्टिक सा हो गया है, समय लगता है जैसे कब सुबह हुआ कब शाम हो गया कब रात हो गया फिर सुबह हो गया पता ही नहीं चलता, और मैं अभी सीख रही हूँ अपने समय को इधर बीच मैनेज करना, और इस वजह से वीडियोस नहीं जा पा रहे हैं, वरना आप प्रॉमिस कर रही हूँ अब अच्छे से मैं वीडियो जैसे जा रहे थे वैसे जाएंगे रूटीन में, क्योंकि इधर बीच मैं सीख रही थी कि मैं कैसे अपने टाइम को मैनेज करूं, कैसे हर काम को अच्छे से कर पाऊं, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ चीज़ छूट जाए अच्छे से अगर टाइम मैनेज ना हो पाए तो। आप सभी कमेंट्स जब आते हैं ना कि जागृति वीडियो क्यों नहीं आ रहा है, बहुत याद आ रही है, मिस यू, मुझे सच में बहुत, मतलब मैं बता नहीं सकती उस समय मेरा जो फीलिंग, वो जो मैं महसूस करती हूँ मैं बता नहीं सकती। आप सभी का प्यार, आप सभी की दुआएं, शायद वही मेरी ताकत है जो मुझे एनर्जेटिक कर देती हैं वापस से और एकदम जी जान लगाने के लिए मजबूर कर देती हैं। ये सारे ब्लॉक कंप्लीट कर लिए, 1, 2, 3, 4, ये सारे ब्लॉक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, अब हम स्टार्ट करेंगे अगला वाला ब्लॉक कल से। अब हम चल रहे हैं अपनी वोकैब की क्लास करने। आजकल ना मैं वोकैब अरुण सर से कर रही हूँ, मैंने जब करियर व्हील पर बैच लिया था तो वहाँ पर अरुण गौतम सर पढ़ाते थे इंग्लिश, और सर का यूट्यूब चैनल भी है वहाँ पर। आजकल ना सर सारे जितने भी इम्पोर्टेंट वोकैब जो प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं वो सर कराते हैं, एक ही वीडियो में सर सारा कुछ कवर करते हैं, इसमें idiom फ्रेज भी रहता है, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन भी रहता है, एंटोसाइनो भी रहता है, साथ ही साथ यहाँ पर जो लेटर वाले क्वेश्चन आते हैं ना वर्ड्स में जो इरर ढूंढने को, वो सारे क्वेश्चन भी सर यहाँ प्रैक्टिस कराते हैं, तो मैं आजकल यहाँ से भी तैयारी कर रही हूँ वोकैब का, एक वीडियो मैं हर रोज़ देखती हूँ। हमने शुरू की थी 75 डेज का चैलेंज, जिसके अंतर्गत हमने सारे प्रीवियस ईयर कर डाले इंग्लिश वोकैबुलरी के, DTPSSVPRT एग्ज़ाम के सारे, PYQs के जितने भी क्वेश्चन थे वो कैब सेक्शन के, हमने वो सारे कर डाले थे, तो अब बारी आ रही थी कुछ अलग करने की, तो YouTube पर हमने अरुण गौतम सर का जो क्लास है वो करना अभी स्टार्ट किया है। सर का क्लास इतना अच्छा से डिज़ाइन है कि उसमें एक वीडियो में आपको लगभग सारे कॉन्सेप्ट मिल जाते हैं, कुछ कुछ करके हर रोज़ के लिए एक टारगेट मिल जाता है कि अच्छा आज ये हमें तैयार करना है, ये रीड करना है। साथ में नीतू सिंह मैम की एक बुक भी हमने ऑर्डर करी है, वो भी कुछ दिन में आ जाएगी, तो इंग्लिश वोकैब की तैयारी और इंग्लिश ग्रामर की तैयारी कुछ इस तरीके से करने वाले हैं। 75 डेज का जो चैलेंज हमने शुरू किया था जिसे हम कंटिन्यू भी अभी कर रहे हैं, लगभग 60 दिन हमारे कंप्लीट होने वाले हैं सक्सेसफुली, और जब शुरुआत करा था तो लग रहा था कैसे होगा, लगभग 60 दिन होने को भी हैं और जल्दी ख़त्म भी हो जाएगा। पिछली वाली वीडियो में हमने आप सभी से एक प्रश्न पूछा था कि 75 डेज़ की जो जर्नी हमने शुरू करी थी हमने उसे कंटिन्यू करना चाहिए, जहाँ पर हमने छोड़ दिया था वीडियो डालना वहाँ से करना चाहिए या फिर जहाँ अभी हम हैं वहाँ से करना चाहिए, लेकिन आप सभी लोगों की राय अलग अलग थी, आप सभी ने अपनी बातें रखी, तो अब हमने सोचा है कि हम एक नई जर्नी की शुरुआत करते हैं वापस से, एक नया चैलेंज हम लेते हैं। पिछले वाले 75 डेज़ के चैलेंज से बहुत कुछ सीखने के बाद हमने पहले एक छोटा सा कदम बढ़ाया था,
अब हमने सोचा है, चूँकि आप सभी का भी ये कहना है, तो अब हमारी नए महीने से यानी कि 1 जुलाई से एक नई यात्रा शुरू होगी। पुरानी यात्रा से ढेर सारी प्रेरणा लेकर हम शुरू करेंगे अब 6 महीने की एक नई जर्नी। खुद को देंगे 6 मंथ्स का चैलेंज, जिसमें हम अपनी कंसिस्टेंसी, अपनी फोकस, अपने डिसिप्लिन पर काम करेंगे। खुद को हर रोज़ एक नया टारगेट देंगे और उसे कम्प्लीट करेंगे। हमें जितना भी समय मिल रहा हो, हर रोज़ 2, 4, 5, 6 घंटे, 7 घंटे जितना भी समय मिल रहा है, हम उसे यूटिलाइज करना सीखेंगे अपने लिए। तो आज है 1 जुलाई और आज से हम शुरुआत करते हैं अपनी यात्रा की। हमें रुकना नहीं है, हर रोज़ जितने भी घंटे हमें मिलते हैं, हम ऐसा कर सकते हैं कि हम अपने आप को हर रोज़ नंबर दे सकते हैं कि आज हमने इतना टारगेट कंप्लीट किया अपना। हर एक टारगेट कंप्लीट करने पर एक फिक्स नंबर हम सेट कर सकते हैं और जितना हमारा प्रोग्रेस है, उस हिसाब से हम अपने आप को नंबर दे सकते हैं। तो क्या आप सभी तैयार हैं हमारे साथ इस चैलेंज को लेने के लिए और पूरा करने के लिए? मुझे बहुत ज़्यादा उत्सुकता है इसे शुरुआत करने की। और 6 महीने का समय एक परफेक्ट समय है अपने आप को तैयार करने का, क्योंकि 6 महीने का समय हमें चाहिए होता है भरपूर DSSB एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए या आने वाले सुपर टेट की यदि हम बात करें, तो यह अच्छा समय है अपने आप को तैयार करने का। इन 6 महीनों में बस हमें इतना करना है कि अपने समय का 1 मिनट भी वहाँ नहीं देना है जिससे हम कुछ सीख नहीं रहे। हमने आज निर्णय ले लिया, दूसरा सबसे बड़ा निर्णय हमें लेना है इस निर्णय को मैनेज करने का। डिसीज़न लिया और मैनेज नहीं किया तो हम रुक जाएंगे, हम हार जाएंगे, थोड़े दिन में ही डीमोटिवेट हो जाएंगे। लेकिन हमने निर्णय लिया है तो हमें दूसरा सबसे बड़ा निर्णय लेना है इसे मैनेज करने का। मैं आप सभी लोगों के साथ हूँ। हम जो अपने आप को नंबर देंगे वो कमेंट बॉक्स में हम लोग कमेंट कर सकते हैं। हाँ, टॉपिक तो नहीं डिसाइड कर पाएंगे एक साथ कि क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं। मैं जो हर रोज़ पढ़ूंगी उसे आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूंगी, क्योंकि हम ये नहीं जानते कि हम लोग कहाँ कहाँ पे हैं। कोई किसी लेवल पे होगा तो कोई किसी लेवल पे होगा, तो ये हमें डिसाइड करना है कि हमें हर रोज़ का टारगेट क्या फिक्स करना है, हर रोज़ पढ़ना क्या, हम किस लेवल पे हैं और हमें शुरुआत किस तरीके से करनी है, ये बिल्कुल हमारे ऊपर है। और यकीन मानिए, एक एक दिन जब हम अपने ऊपर काम करते हैं और आगे बढ़ते हैं ना, वो एक अलग ही उत्साह आता रहता है और अपने ऊपर विश्वास पैदा होता जाता है कि हाँ, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। क्योंकि अभी रिसेंटली हमने 75 डेज़ की जर्नी है वो धीरे धीरे हमने एक एक दिन चला है, तो हम इसे भी शुरू करेंगे और पूरा भी करेंगे। बस आज से हमें हर छोटी छोटी चीज़ों से शुरुआत करनी है, हर छोटी छोटी चीज़ जो हमें परेशान करती है उससे दूर हटना है और उसके स्थान पर हमें वहाँ लगना है जहाँ ज़रूरत है लगने की। बाकी चलिए, बस इन्हीं कुछ बातों के साथ अपने आज के सफ़र को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो ब्लॉग में बहुत सारी बातों के साथ और एक नए उत्साह, एक नई जर्नी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमेशा पॉजिटिव बने रहिएगा, खुद पर काम करना शुरू करिएगा, फिर देखिएगा। गुड नाइट, सब्बा खैर, शुभ रात्रि। मिलते हैं अगले वीडियो ब्लॉग में।